हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको काम करना है पीपीटी बनाने का, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। ये जनरली आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग अपने स्कूल टाइम में काफ़ी ज़्यादा बनाते थे स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन जिनको आप बोलते थे, तो उसी तरह की होती हैं। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पर एक बार नॉर्मली सर्च करके देखना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपको काफ़ी सारे डेमोज वहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक दो घंटे में आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर काम करना है तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके, तो देखिए, इस प्लेटफॉर्म का नाम है नो मोर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि एक डेनमार्क बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार कराती हैं। तो उनको जब अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार करवानी होती हैं तो वो लोग इन, जैसे कि नो मोर प्लेटफॉर्म है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को सर्च करती हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर अपने प्रेजेंटेशंस को पूरा कराते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये उन कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं जो कैंडिडेट्स उनके लिए प्रेजेंटेशन बना सके। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर जुड़ जाते हो तो यहाँ पर आपको उन कंपनीज के लिए प्रेजेंटेशंस बनानी होंगी। ओके, तो यहाँ पर आपका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा उन कंपनीज के साथ। सबसे पहले तो आप लोग जो प्रेजेंटेशंस बना रहे हो वो सारी नो मोर कंपनी अपने आप से डिसाइड करेगा चीज़ें, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है देन वो चली जाती है आपके कंपनी के पास। तो आपका कोई डायरेक्टली वहाँ पर कॉन्टेक्ट नहीं होगा, आपका भी रोल नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी पेमेंट होती है वो अर्ली बेस पे होती है, मतलब आप एक दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको पेमेंट मिलती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेमेंट स्ट्रक्चर, मैं आपको अभी लास्ट में समझा दूंगी सारा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है। तो देखिए, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इनकी अपनी तरफ से कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप लोग चाहे स्कूल में स्टूडेंट हो या तो आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आप लोग कहीं पर वर्क कर रहे हो और साथ में पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप इसके लिए आराम से काम कर सकते हो। साथ ही अगर आप मतलब रेगुलर बेसिस पर केवल इसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप इस पर काम कर सकते हो। तो बेसिकली कोई भी इस पर काम करना चाहता है जिसको भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनानी आती हो, ठीक है। यहाँ पर जो काम होता है वो पूरा रेटिंग्स के बेसिस पर चलता है, मतलब आपको रेटिंग्स दी जाती है उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपकी जो रेटिंग रहती है वो 1 to 5 के बीच में रहती है देन आप यहाँ पे एवरेज कैंडिडेट के तौर पर रहते हो, और अगर आपकी 5 above आ जाती है तो आप हाई क्लास के अंदर पहुँच जाते हो, यानी कि फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिलने लग जाते हैं। और ऑफकोर्स जब प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होंगे तो वहाँ पर आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, स्टार्टिंग में आपको एवरेज प्रोजेक्ट्स ही मिलेंगे जिनका शायद डॉलर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे काम वो लोग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हाई डॉलर्स वाले प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर 3 steps में डिवाइड है, वैसे तो 7 steps है, वो मैं अभी आपको क्लियरली बताऊंगी, बट स्टार्टिंग में आपको पहले ये 3 steps मेनली होते हैं जो आपको क्लियर कर लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है खुद को रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए एक ईमेल आईडी, ठीक है। जब आप यहाँ पर खुद को रजिस्टर कर लेते हो तो यहाँ पर आपका एक IQ टेस्ट होता है, ज़्यादा हाई लेवल का टेस्ट नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है जिसमें आपसे 32 questions पूछे जाते हैं और 5 minutes के अंदर आपको उस क्वेश्चंस के आंसर क्लियर करने होते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो जब इतना कम टाइम है तो क्वेश्चन का लेवल भी उस हिसाब का ही होगा, है ना। 5 minutes के अंदर आपको वो 32 questions क्लियर कर लेने हैं। जब आप ये काम ख़त्म कर लेते हो उसके बाद आपका होता है एक PPT टेस्ट। PPT टेस्ट में आपको प्रेजेंटेशन बनाकर उन्हें दिखानी होती है और वो लोग चेक करते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। लेकिन ये PPT टेस्ट देने से पहले आप लोगों को एक काम और करना है, उन जब आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे तो कुछ 2-3 videos आपको देखने के लिए मिलेंगी उनके प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही उनकी कुछ गाइडलाइंस होंगी PPT को लेकर के, मतलब PPT कैसे बनानी चाहिए, तो आप लोग वो ज़रूर पढ़ लेना, उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना क्योंकि वो जो गाइडलाइंस वहाँ पर आपको दी हुई है वो पूरी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही दी गई है। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लेना, वीडियोज़ वगैरह भी ज़रूर देखना, उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप वो देख लोगे तो आपकी PPT के सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, तो वो चीज़ आप ज़रूर करना। ये जो PPT टेस्ट होगा आपका, ये 3 घंटे का टेस्ट होता है, तो ये आप जब ही देना जब आपके पास पूरे 3 hours का टाइम हो, यानी कि जब भी आप फ्री हो दिन में 3 hours के लिए तभी आप इस टेस्ट को शुरू करना और इसको कम्प्लीट करना। ओके, इनकी तरफ से कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप IQ टेस्ट के बाद तुरंत इसे करो,
आप पूरी तरह से फ्री हो, जब आप फ्री हो जाओगे तभी आप इस टेस्ट को दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इस टेस्ट में आपको करना क्या है ये आपको समझ ही आ गया होगा, पीपीटी आपको बनानी है। उनकी गाइडलाइंस में आपको साफ दे रखा होगा कि किस तरह के कलर्स आप यूज़ करोगे, मतलब कौन से कलर्स आपको यूज़ करने चाहिए, कौन से फॉन्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए, ताकि जो आपकी पीपीटी है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट बने। ओके, मतलब उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बेस्ट बने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीपीटी बनाते वक्त ये सारी चीज़ों को याद रखना है। जब आपकी पीपीटी बन जाती है तो आपकी जो पीपीटी है वो रिव्यू के लिए चली जाती है। रिव्यू होने के बाद यहाँ पर अगर आपका पेपाल का अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप लोग अपना पेपाल पर एक अकाउंट बना लें, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जितनी भी पेमेंट होगी वो आपको पेपाल अकाउंट पर ही मिलेगी। ठीक है, तो जब आप ये पीपीटी टेस्ट वाला राउंड क्लियर कर लेते हैं, आपका एक नेक्स्ट राउंड होता है जहाँ पर आपको 2 प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। वो जो 2 प्रोजेक्ट्स और दिए जाएंगे वो कम्प्लीटली पेड होंगे, यानी कि उनकी पेमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पर आपको रेटिंग्स मिलती है, मतलब जब आप ये प्रोजेक्ट्स सबमिट करते हो तो उन प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स भी रिव्यू में जाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का आपको रेटिंग मिलती है। जबकि जो पहले वाला था वो आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, और ये वाला बेसिकली आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब ये वाला जो होता है ये आपकी रेटिंग्स के लिए होता है। ठीक है, और इसके आपको पैसे भी मिलते हैं, जबकि पहले वाले के आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपकी पीपीटी है, मतलब जो आप यहाँ पर एमएस ऑफिस यूज़ करोगे, एमएस ऑफिस 2016 वाला आपको यूज़ करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको वर्किंग रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आप बता देती हूँ। तो देखिए, वीकली आपको 10 आवर्स यहाँ पर काम करना होगा, यानी कि पर डे आपको लगभग 1-1.5 घंटा यहाँ पर अपना स्पेंड करना होगा, तभी आप यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो वीकली 10 आवर यहाँ पर आपको कम्प्लीटली वर्क करना है। ठीक है, तो 7 स्टेप्स जो मैं बता रही थी, तो देखिए फर्स्ट स्टेप आपका वही हो गया, रजिस्ट्रेशन और आईक्यू टेस्ट। ठीक है, जहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है, देन आपको आईक्यू टेस्ट देना है। फिर उसके बाद सेकंड हो गया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में आप उनकी वीडियोस वगैरह को देखोगे और उनकी गाइडलाइंस को पढ़ लोगे। देन आपका टेस्ट होता है पीपीटी टेस्ट, वो आप दे दोगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, आपके पेपाल अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है। पेपाल अकाउंट आपका जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, आपके टेस्ट वगैरह सारे क्लियर हो जाते हैं, तो उनकी तरफ से एक शॉर्ट वीडियो कॉल आपको आती है, वो वीडियो कॉल आपको अटेंड करनी है। वहाँ पर वो मतलब आपको ऐसे ही आती है, वो आपको बताते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया है और आप उनकी मतलब टीम में शामिल हो गए हो और आपको आगे के और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह की एक नॉर्मल सी कॉल होती है, वो आपको अटेंड करनी है। जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद आपको मिलते हैं ये 2 प्रोजेक्ट्स और, जो कि पेड होते हैं कम्प्लीटली, जिसका आपको पेमेंट मिलता है। इसके बाद आपका होता है एक इंटरव्यू, ये आपका फाइनल स्टेप होता है। यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बहुत नॉर्मल से होता है। आप लोग जो स्टार्टिंग के जो लोग सारे स्टेप्स क्लियर कर लेते हो, तो बेसिकली वो लोग यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपका इंटरव्यू होता है। पर आपको इंटरव्यू में भी थोड़ा सा संभल कर ही काम करना है, आप लोग बिल्कुल ऐसे कोई ब्लंडर मत कर देना, बिल्कुल आराम से काम करना। ठीक है, देन यहाँ पर आपको करना होता है, मतलब आपके प्रोजेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में ये लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ज़्यादा बिडिंग ना करें, यानी कि कोई प्रोजेक्ट है $20 का, कोई प्रोजेक्ट है $15 का, तो स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप लोग कम डॉलर्स वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जो ज़्यादा डॉलर्स वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को कम डॉलर्स वाले प्रोजेक्ट को सबमिट कर लेना होता है, उनको सेलेक्ट कर लेना होता है, ताकि वो भी आपके हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर काम करते जाओगे, पुराने होते जाओगे, तो आपकी जो प्रोजेक्ट्स है वो भी बढ़ते चले जाएंगे, आपको ज़्यादा डॉलर्स वाले प्रोजेक्ट ये लोग देना शुरू कर देते हैं। और बस फिर फाइनल स्टेप आता है आपका पेमेंट का। तो जो पेमेंट होगी वो आपको ये लोग मंथ में एक बार देंगे, यानी कि आप मंथ में एक बार उस पेमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, पेमेंट का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये 2 स्क्रीनशॉट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, है ना, दोनों ही वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग है। एक है कि आप 20 से 30 आवर्स स्पेंड करते हो तो कितना मिलेगा, एंड ये सेकंड वाला है कि आप 30 आवर्स से अबव करते हो तो देन आपको कितना पेमेंट मिलेगा। तो ये स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो। उससे अलग सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिकली बता दी हैं। आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लेटफॉर्म ये जेन्युइन है, बिल्कुल किसी के माइंड में ये चीज़ आए कि मंथ में एक बार पेमेंट मिलेगी तो जो वर्क हमने किया है वो वेस्ट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप लोग मतलब आप लोगों को विड्रॉ तो यहाँ से आप मंथ में एक बार कर सकते हो, लेकिन आप अपनी पेमेंट रेगुलरली यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और अप्लाई ज़रूर कर देना, प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के काम की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या लोग आप लोग देखते हैं बट स्टिल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहती हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।